गुड मॉर्निंग। बहुत लोगों की रिक्वेस्ट थी कि क्लास अपडेट्स के अलावा मैं आपको रीसेंट जो जॉब आती हैं बैंकिंग की, फाइनेंस की या भी प्राइवेट कंपनीज की, उसमें मैं अपडेट करूं। तो आज से मैं ट्राई कर रहा हूं न्यू इनिशिएटिव। जितनी भी बैंक की जॉब आएंगी या जितने भी आपके लिए बेस्ट जॉब ऑफर होंगे, मैं आपको तुरंत अपडेट कर दूंगा। अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये बनती है कि आप कितनी जल्दी उसमें अप्लाई करते हैं, राइट। तो आज की वीडियो में विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम स्टार्ट करते हैं कि आज की जो बैंक की ओपनिंग है, दैट बैंक नेम इज़ सारस्वत कोऑपरेटिव बैंक जूनियर ऑफिसर ऑनलाइन फॉर्म 2021। ये कोऑपरेटिव बैंक है, राइट। तो बैंक कई टाइप के होते हैं, प्राइवेट बैंक, पब्लिक बैंक, राइट। वो एक एकेडमिक नॉलेज है। तो इसमें आप इतना समझो, कोऑपरेटिव बैंक में जो वैकेंसी निकली है उसमें क्या फॉर्मेलिटीज, उसमें क्या फॉर्म वगैरह है, उसमें हम देख लेते हैं। तो ये जो जॉब निकली है वो किसकी, सारस्वत कोऑपरेटिव बैंक जूनियर ऑफिसर की वैकेंसी है। 2021 में फॉर्म इसके निकल चुके हैं। तो यहाँ पे आप देख लो इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है। एप्लीकेशन स्टार्ट कब से हो चुके हैं, ये 5 मार्च से स्टार्ट हो चुके हैं, यानी मुझे लेट इन्फॉर्मेशन मिली है। लेकिन आज के बाद जब वीडियोज़ आएंगी आपके पास, बहुत ही लेटेस्ट जॉब एप्लीकेशन होंगी और आपको तुरंत अपडेट मिल जाएगी। आप आज इस वीडियो को देख रहे हो पूरी देखने के बाद, और तुरंत गूगल पे साइट को ओपन करो और तुरंत अप्लाई कर दो। लास्ट डेट कब तक है इसकी, देखो 22 मार्च 2021। तो यहाँ तक आप भर दो और उसी डेट पर आपको पेमेंट भी कर देनी है, ठीक है। उसके बाद देखो ये वैकेंसी कहाँ कहाँ पे आई हुई है। पहली बात तो महाराष्ट्र की बहुत सारे ब्रांचेज में है। तो महाराष्ट्र के अगर आसपास आप रहते हैं या आपका मन महाराष्ट्र में शिफ्ट करने का है, तो आप जा सकते हैं। मुंबई में, पुणे में, औरंगाबाद में, नागपुर में, कोल्हापुर में, नासिक में, यहाँ आप जा सकते हैं। गोवा में इस बैंक के ऑफिस है तो वहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। कर्नाटका में अप्लाई कर सकते हो, गुजरात की ब्रांचेज में भी हैं। जो बेसिक एलिजिबिलिटी है उसकी क्या है, ये सिर्फ आपसे बैचलर डिग्री मांग रहा है। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, सिर्फ बैचलर डिग्री मांग रहा है, चाहे आप BA हो, BSc हो, BCom हो, BMS हो, 60% होने चाहिए आपके पास। इसका मतलब ये कंडीशन कह रहा है कि आप फर्स्ट डिवीजन होने चाहिए। 59 वालों को ये नहीं ले रहा है और कोई एलिजिबिलिटी नहीं है, ओनली ग्रेजुएशन विद 60% मार्क्स। इसने एज लिमिट लगा रखी है कि आप फर्स्ट 2021 को 27 साल से ज़्यादा के नहीं होने चाहिए, यानी बिल्कुल ही यंग टैलेंटेड पर्सन को हायर कर रहा है। 21 to 27 के एज में अगर आप हो और अगर आप देख रहे हो बैंकिंग सेक्टर में अपॉर्चुनिटी, तो फटाफट इस फॉर्म को भरो, फीस पे करो। फीस कितनी है इसकी देखो, जनरल OBC के लिए 750 है, SC ST के लिए 70, मतलब फ्लैट 750 रुपीज़ है। आप इसको भरो और जल्दी से जाओ। ऑनलाइन भी पे कर सकते हो, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, ई चालान से पे कर सकते हो। अब ये इंपॉर्टेंट साइट आप देख लो या फिर इसकी स्क्रीनशॉट ले लो, फटाफट इसकी स्क्रीनशॉट ले लो और जल्दी से टूल बार खोलो आप गूगल और इस साइट को देखो। IBPS बैंक के एग्जाम लेता है, आपको पता होना चाहिए। तो IBPS की साइट पे आप जाएंगे, IBPS ऑनलाइन, वहां पे आप जाके इसका फॉर्म भर देंगे, या बैंक की ऑफिशियल साइट पे जाओ। बैंक की ऑफिशियल साइट क्या है देखो, ये www.saraswatbank.com, ये आप डालो, उसके अंदर असेट्स रिक्रूटमेंट सेल में आप जाओगे तो वहां आपको पता चल जाएगा, राइट। तो रिक्रूटमेंट सेल के अंदर बैंक की साइट सारस्वत बैंक में आप जाओ, वहां डायरेक्टली अप्लाई करो। ये इन्फॉर्मेशन बहुत ही अच्छी है, बैंक की रिक्वायरमेंट है, बैंक की जॉब सबको पता है बहुत ही अच्छी है, रेप्यूटेड जॉब है। जल्दी से अप्लाई करो, फ्रेंड्स को भी बताओ जिसको आप समझते हो कि आप साथ में तैयारी करो और बढ़िया एग्ज़ाम दो, राइट। कॉमर्स स्टूडेंट के लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अदर जो भी ग्रेजुएट है, चाहे साइंस बैकग्राउंड से हो, आर्ट्स बैकग्राउंड से, इस वीडियोज़ को अपने फ्रेंड को शेयर करो और जल्दी से अप्लाई कर दो, राइट। बाकी जो भी अब नेक्स्ट जॉब अपडेट्स आएगी, जैसे आप लोगों ने मुझे पर्सनली व्हाट्सएप किया, वैसे तो मैं स्टेटस लगाता हूँ, लोगों को PDF भेजता हूँ, लेकिन अब मैं स्मॉल वीडियोस बनाऊँगा, ज़्यादा टाइम मेरे पास भी नहीं, आपके पास भी नहीं है। हम कोशिश करेंगे अवेयरनेस करने की, जितना भी पेंडेमिक में प्रॉब्लम आई है सबको जॉब मिल जाए, सब अपनी अपनी जगह सेटल हो जाएँ, यही मेरा एक ऑब्जेक्टिव है, राइट। थैंक यू सो मच।